गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट टू है, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट टू पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको एक्सरसाइज 1.3 में 5 क्वेश्चन करवा दिए गए थे, तो यहाँ पे 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने सवाल पे। पहला नंबर सवाल क्या है, जरा उसे पढ़िए, देख लीजिए। पहला नंबर सवाल है, 6 नंबर है, पी बटे क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त तो अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए, वैसे तो हमको पता है कि पी बटे क्यू, हमें अपने मन से कोई भी संख्या लेनी, लेकिन ऐसी संख्या लेनी जो परिमेय हो और जिनका दशमलव प्रश्नांक ऐसा हो, शांत हो सके। हमें पता है कि अगर पूरा पूरा भाग, जैसे ये है संख्या, पहले ही लेते हैं हमने, ये ले ली, इसका भाग पूरा पूरा अगर जा रहा है तो आ रहा है 4.5, पूरा पूरा जा रहा है ना 4.5, इसका मतलब ये शांत दशमलव भी है, ये पी बटे क्यू के फॉर्म में है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या भी है, ठीक है। लेकिन हमसे कह रहा क्यू को एक और सा गुण जो होता है वो संतुष्ट करता है। तो ये हाई स्कूल की क्लास में आप पढ़ेंगे, इसमें नहीं है, लेकिन ये एक प्रोसेस होता है कि अगर इसका जो हर होता है, क्यू जो होता है, वो 2 की पावर m, 5 की पावर kn के रूप का होता है, तो ये एक शांत दशमलव माना जाता है। ये वही कंडीशन है, तो वही आपसे लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ये कंडीशन आपको हाई स्कूल में पढ़नी है, यहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं दिया गया इसके बारे में, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ लिया गया तो बता देना है कि ये 2/m, मतलब 2m × 5 की पावर q जो है, इसका हर जो है वो 2 की पावर m, 5 की पावर m के रूप का होता है, तो ये शांत दशमलव होता है। या इनमें से कोई भी एक हो, चाहे 2 हो, तो हम ऊपर नीचे 5 का गुणा करवा लेंगे, और 5 होगा तो 2 का ऊपर नीचे गुणा करवा लेंगे, तो हमारा ये शांत दशमलव बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, पहले हमने कोई भी संख्या मान ली है, कुछ लिखा है इसमें रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। तो हमने अनेक उदाहरण ले लिए, पहला ले लिया 9/2, दूसरा ले लिया 7/4, तीसरा ले लिया 12/5, चौथा ले लिया 17/10 और पांचवा ले लिया 2/5। इस तरह ने 5 उदाहरण ले लिए, और जहाँ मान लिया कि जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक। पी को हम लोग अंश मानते हैं और क्यू को हर मानते हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये सहअभाज्य संख्या है और इनका शांत दशमलव भी प्रसार भी है। वो करके देख लीजिए, नीचे दिखाया गया है, 9/2 का भाग दिया गया है, तो देखिए 2 का जब 9 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.58 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 चौको 8, 1 बच जाएगा, दशमलव लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 बार जाएगा, 2×5 = 10। इसी प्रकार से 4 का भाग 7 में दिया गया, तो कितना आया हमारा, 1.75, ठीक है। उसी तरह से 5 का भाग 12 में दे दिया गया, तो कितना आ गया, 2.4, और 10 का भाग 17 में दिया गया, आया हमारा 1.7, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हमारा 2/5, 2/5 का भाग दिया गया 0.4। देखिए ये सभी भाग, देखिए ये क्या है, पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें। इस तरह से कोई भी संख्या इस तरह से नहीं आ, रिपीटिंग नहीं हो रही है। अगर रिपीट होती तो इसका मतलब वो अशांत हो जाता, लेकिन इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं है, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये सभी शांत संख्याएँ हैं। ये इनका जो दशमलव प्रसार, वो शांत दशमलव प्रसार है। देखिए, हमसे बहुत पूछा है कि ये क्यू जो है, इसके बारे में एक चीज़ और आपको लिखनी है, तो ये हाई स्कूल में है, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। देख लीजिए, जो ऊपर अभी हमने बताया कि शांत दशमलव प्रसार के लिए क्यू का अभाज्य गुणन 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप का, या 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। देखिए, चाहे हम इसमें m या n किसी को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर m, या इसे काट दीजिए, एक ही लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। 2 की पावर m × 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, ठीक है। क्यू, क्यू मीन्स हर, हर क्या होना चाहिए, किस रूप का होना चाहिए, तो हर हमारा 2 की पावर m × 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। 2/5 है, तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का गुणा करवा देंगे, चाहे एक संख्या करवा दें, चाहे मैं, तो ऊपर से 2 का 2 कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 1 × 2 की पावर 1। ये इस रूप का है कि नहीं है ना, अतः ये क्या है, एक शांत दशमलव है। तो इसमें देखिए, सबका हर होगा इसी रूप में,
इसके देखिए ये हर भी है, दो पंचे दस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका हर भी इसी रूप का हो जाएगा, इसका हर पाँच है तो हम दो को ऊपर नीचे गुणा करवा लेंगे, तो यहाँ पे इस रूप का भी हो जाएगा, चार चार वाला गुणनखंड करेंगे, ऊपर नीचे पाँच का गुणा करवा देंगे, तो यहाँ पे भी ये इस रूप का हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 2 की पावर स्क्वायर 5 की पावर 1। ठीक है, तो हर इस रूप का अगर होगा तो कैसा होगा, ये 7 दशमलव होगा। तो बस आपको केवल लिखना था, यहाँ पे बताना नहीं है। वैसे हाई स्कूल में एक 7 दशमलव और 7 दशमलव की क्लास पड़ी हुई है, आप चाहो तो वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। आगे सवाल क्या पढ़ा है, तो आगे सवाल लिखा हुआ है, ऐसी 3 संख्याएं हैं जिनके दशमलव प्रसार अनवाशनी अनावर्ती हो। अनवाशनी अनावर्ती को हम लोग क्या करते हैं, अपरिमेय। क्या बोलते हैं, अपरिमेय। ठीक है, अनवाशनी अनावर्ती को हम लोग अपरिमेय भी बोलते हैं। तो हमें ऐसी सभी अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। ठीक है, जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, अनवाशनी अनावर्ती हो। देखिए सभी अपरिमेय संख्याएं अनवाशनी अनावर्ती दशमलव प्रसार देती हैं, इसलिए 3 उदाहरण। ये अपरिमेय संख्याएं हमारी √3, √2, √3 और √5। अगर इनकी वैल्यू पुट करें हम, तो देखिए 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41। इसी तरह से हो जाएगी, आगे ये संख्या रिपीट करने लगेगी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। और फिर यहाँ से 2 जो होता है रिपीट करने लगता है। ठीक है, यहाँ से जो होता है 1 रिपीट करने लगता है। इसी तरह से √5 की वैल्यू 3 दशमलव कुछ करके होती है। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ये रिपीट, अगर कोई संख्या इसमें एक बार रिपीट करती है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये अन्य उदाहरण भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये संख्या है 2.325555। अब यहाँ पे 5 5 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 5 ऊपर बार लगा सकते हैं। ये कैसी संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, या किसी भी तरह से लिखते हो, या इस तरह से भी लिख सकते हो आप 0 दशमलव करके, 7 1 2 5, फिर 5 5, ये भी एक तरह से क्या है, तो ये भी एक हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 5 रिपीट होने लगा। ये 2 संख्याएं भी आपस में रिपीट हो सकती है, 3 संख्याएं भी रिपीट हो सकती है, चारों भी रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो पिछली क्लास में आपको बताया कि यह संख्या अगर एक बार भी रिपीट हो, इसका मतलब वो कैसी होती है, अपरिमेय होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको मात्र इतना ही करना था, चाहो तो आप यही 3 उदाहरण दे दो, ये उदाहरण मानो तो दूसरे उदाहरण दशमलव में भी करके दिखा सकते हो, लेकिन वो संख्याएं रिपीट करती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं बताइए। हमसे पूछा गया है 5/7 और 9/11 की बीच की 3 अपरिमेय। अपरिमेय मीन्स, अभी आपको बताया गया है कि वही संख्या बार बार दोहराती है, वही क्या कहलाती है, अपरिमेय कहलाती है। ठीक है, तो वही हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए हम इनको चेक कर लेते हैं, तो इनको पहले चेक करते हैं। देखिए 5/7, तो 7 का भाग जब 5 में दिया गया है, इस तरह से भाग दिया गया है, तो पहले 0 लग जाएगा, जाएगा नहीं, फिर देखिए यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 7 49 49 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, 1 कर लिया, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 1 7। ठीक है, 1 कर दिया, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, तो 0 बढ़ा दिया, 7 4 28। ठीक है, फिर 28 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ आ गया 2, कितना बचेगा, 2। अब इधर करके दिखा देते हैं, 2 बचा, फिर हमने 0 बढ़ा लिया, और कितनी बार, 7 2 14, तो यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 14 लिख दिया, फिर यहाँ पे किया तो कितना आ जाएगा, तो 6 बचेगा, फिर हमने 0 बढ़ा लिया, तो यहाँ पे कितनी बार कर, 7 7 57 56, 8 बार जाएगा, यहाँ पे 8 लिख लिया हमने, यहाँ पे लिख दिया 56, यहाँ पे कितना घटाया, तो 4 आ जाएगा, फिर 0 कर लिया, 7 5 35, तो यहाँ पे कर लिया तो 35 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 0। देखिए 5 जब भी, देखिए लास्ट में यहाँ पे कितना बचा, 5 आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 5 बचेगा, 40 से 35 गया, तो 5, देखिए 5 तो स्टार्टिंग पे भी था ना, और यहाँ पे भी 5 आ गया, मतलब यही संख्या, सेम संख्या फिर से रिपीट होगी, और जब वही संख्या सेम रिपीट होने लगे, इसका मतलब वो कैसा होता है, तो वो एक अनवासनी अपरिमेय संख्या होती है। मतलब ये अपरिमेय संख्या, तो ये तो मैं पता चल गया। ठीक है, चलिए
यह मतलब यही संख्या सेम रिपीट होगी यहाँ पे। 9/11 का जब भाग किया 0.8181 इसमें रिपीट कर रहा, तो हमें पता चल गया कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दो संख्याएं यहाँ पे रिपीट होती चली जा रही हैं बार बार, इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अब इन दोनों के बीच की लिखनी है, तो देखिए हम दो पॉइंट को देखते हैं, पहला मान देखते हैं 71 और दूसरा देखते हैं 81, बस इतना देखते हैं। इनके बीच की संख्या लिखनी है, तो हमने लिख लिया 0.71 और लिखना क्या है 0.81। हमें इन तीनों के बीच की अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, ठीक है। तो हम इन तीनों के बीच की अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे, तो हमने मान लिया पहली तीन तीन ही लिखनी है, जो भी लिख सकते हैं हम तीन में, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं तीन इनके बीच की कोई भी तीन संख्याएं लिख सकते हैं, तो कोई भी तीन संख्याएं लिखेंगे तो पहली कौन सी हो जाएगी, पहली हमने मान लिया 0.72, कोई भी आप मान के लिख सकते हो, यहाँ पे 72 ले लिया या फिर 75 ले लिया या फिर 80 ले लिया गया, बस इन इसके बीच में होनी चाहिए तीनों संख्याएं, बस संख्या रिपीट करती हूँ, ठीक है। कोई भी संख्या आप ले सकते हो, तो यहाँ पे हमने मान लिया 0.72, क्योंकि ये 0 में है तो हमको भी उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा 01। फिर देखिए 001, फिर 001। अब देखिए यहाँ पे क्या रिपीट हो रही, तो देखिए पहले 01, फिर यही संख्या रिपीट हुई है, फिर यही संख्या रिपीट हो गई है, रिपीट हुई है, तो इसे ही बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। दूसरी हमने इस तरह से ले ली, ये इसमें देखिए क्या रिपीट हो रहा, तो इसमें हमारा जो रिपीट हो रहा वो रिपीट हो रहा है, कितना रिपीट हो रहा है 12 की, कितना रिपीट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या 234। रिपीटिंग संख्या कितनी है यहाँ पे, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो और कोई भी संख्या भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बस वही संख्या बार बार रिपीट होती हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ना लिखें और कुछ भी लिख लें, इस तरह से लिख सकते हैं 0.73 भी लिख सकते हैं, इसके बाद 72 के बाद 73 आता है, तो हम लिख देंगे 73, फिर यहाँ पे लिख देंगे 02, फिर यहाँ पे लिख देंगे 002, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देंगे 0002, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होगी। और एक हमें केवल तीन ही बतानी थी, तो हम 74 ले लेते हैं, तो हमने 74 ले ली, ठीक है, 74 ले ली, फिर इसमें लिख दिया 0, फिर यहाँ पे लिख दिया 3, फिर लिख दिया 0, फिर लिख दिया 0, फिर 3, फिर 0, फिर 0, फिर 0 और 3। तो इस तरह से ये हमारी अपरिमेय संख्याएँ दिख रही हैं ना, ठीक है। तो हमें केवल इसके अंदर की तीन अपरिमेय संख्याएं लिखनी थी जो संख्या रिपीट करती है। देखिए यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है, देखिए 02, तो फिर से 02 रिपीट कर रहा, यहाँ पे फिर 02 रिपीट कर रहा, यहाँ पे 03 03 03 रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब संख्या रिपीट कर रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक ये अशांत आवर्ती है, ये क्या है, तो ये है हमारी तीन अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, जो 9 सवाल है हमारा, छोटा भी है, जरा देख लीजिए, केवल इसमें यही पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्याएं अपरिमेय और कौन संख्याएं अपरिमेय है, कौन परिमेय। आपको देखिए ये पूरी क्लास बेसिक की पढ़ी हुई है आपकी, पहली क्लास ही थी बेसिक की, उसमें सब बताया गया परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, तो सबको पता है परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, जिसमें रूट लगा हो तो बिल्कुल अपरिमेय होती है, और जिसमें इस तरह से संख्या दोहराए वो भी क्या होती है, अपरिमेय होती है, जिसमें संख्या दोहराई जाए, ठीक है, बार बार आए वही। तो देखिए पहली जो यहाँ पे संख्या है 23 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखा है 225 का जब हम वर्ग में है, इसको बाहर निकालेंगे, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 15, मतलब एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखा है 0.3796, पूरा भाग गया है यहाँ पे, कोई संख्या रिपीट नहीं हुई, इसका मतलब ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से चौथा हमारा नंबर क्या है, तो चौथा नंबर देख लीजिए 7.47, फिर 8778। अब देखिए यहाँ पे कुछ दोहराया है संख्या में, तो क्या दोहराया है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारी जो दोहराई है संख्या, वो दोहराई है 78, और फिर यहाँ पे 78 दोहरा रहा है ना, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए अगली भी संख्या है, तो यहाँ पे भी लिखा है 1.10, फिर 1, फिर 001, यहाँ पे भी 01010101 दोहराया गया है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ पे संख्या दोहरा जाए, कोई भी संख्या पुनः वही संख्या आ जाए, इसका मतलब वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतनी ही रहेगी, कल अपनी अगली क्लास में मिलेंगे,
एक क्लास कौन सी होगी, 1.4 होगी हमारी प्रश्नावली, उसमें केवल दो ही टोटल सवाल हैं और चित्र वाले हैं, ठीक है? तो उनको समझेंगे अच्छे से, उत्तरोत्तर विधि द्वारा मैं बताने, कल तो कल हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही।